हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, आज हम मोजा एयरक्रॉस 2 के मेन्यू सेटिंग के बारे में जानेंगे। ये कैसे इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मोजा एयरक्रॉस 2 का ये जो रिंग दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको हम ऑन कर लेते हैं। इसको मैंने प्रेस करा तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लाइट जली है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग से यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे हम इसको ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों, इस रिंग के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। इस रिंग से मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको नॉर्मली घुमाते हैं तो ये जो है पैन एक्सिस घूमेगा। और एक बार एक बटन दबा करके मैंने फिर इसको मैं रिंग को घुमाता हूँ, तो अब ये हमारा टिल्ट एक्सिस घूम रहा है। और नेक्स्ट मैं दोबारा से एक बार पावर का बटन सिंगल बार मैंने क्लिक करा, और अब अगर मैं रिंग घुमाता हूँ तो ये हमारा रोल एक्सिस मूव करता है। तो दोस्तों, रिंग से हम ये कर लेते हैं, ये तीनों एक्सिस को हम रिंग से भी कंट्रोल कर लेते हैं। और दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है, इस पर अगर मैं डबल टैप करता हूँ यानी कि दो बार क्लिक करता हूँ, तो जो कैमरा गिम्बल की बैलेंस है, गिम्बल ऑटोमेटिकली ये बैलेंस पे आ जाएगा। अगर हमारा गिम्बल इधर उधर कहीं भी इस तरीके से है, मतलब डिसबैलेंस है, तो ये बैलेंस में आ जाएगा दो बार टैप करने से। ठीक है दोस्तों, और जैसे अभी ये देखेगा, ये डिसबैलेंस हो गया है, तो इसको मैं दो बार टैप करूँगा इस पर, तो ये सीधा हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो दोस्तों ये हो गया, इसको ये जो मोटर होती है, ये वाली जो मोटर है, ये वाली मोटर टिल्ट की है, और ये वाली मोटर जो है ये है पैन एक्सिस की। और देखिएगा दोस्तों, ये वाली जो मोटर है, ये मोटर है ये है रोल के लिए, ये रोल एक्सिस की मोटर है। तो ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर हम इस वाले बटन को प्रेस करके होल्ड रखते हैं, तो यहाँ पर टिल्ट और पैन का जो मोटर है वो दोनों वर्किंग पे हो जाएंगी। अब देखिएगा दोस्तों, कैमरा हल्का सा, अब देखिएगा ऊपर उठता चला जाएगा ये। अब मैंने नीचे करा तो ये नीचे चला गया, ये टिल्ट हो गया। और पैन के लिए दोस्तों, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो देखो अपना आप घूम रहा है ये, और ऐसे मैंने घुमाया गिम्बल तो ये घूम गया। इसको मैंने प्रेस करके होल्ड रखा हुआ है, तो ये इसलिए टिल्ट और पैन फोकस फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया, तो फिलहाल ये हमारे देखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, टिल्ट और पैन का जो है ये अभी वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पर और यहाँ पे जो मेन्यू दिया हुआ है दोस्तों, मेन्यू में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर मैं आपको दिखला दूँ, ये जो मेन्यू दिया हुआ है, मेन्यू में हमें दिखाई दिया जाता है टिल्ट पैन। देखिएगा, स्टार्टिंग पे टिल्ट है, फिर रोल है, फिर पैन है, टिल्ट एक्सिस, पैन एक्सिस और रोल एक्सिस। तो अभी एल, इस पर एल लिखा हुआ है, तो ये अभी लॉक है। ये रिंग है, ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से अगर हम इसको आगे देखो, मैंने ऊपर को करा तो ये टिल्ट एक्सिस हमारा ऊपर चला गया, इसको मैंने नीचे करा तो टिल्ट एक्सिस हमारा नीचे आ रहा है। अब मैं लेफ्ट राइट करूँगा तो ये हमारा रोल एक्सिस वर्क करेगा। अब जैसे ये डिसबैलेंस हो गया है, तो मैं इसको, अब मुझे इसको बैलेंस पर लेके आना है। तो दोस्तों, मुझे सिर्फ अपना जो जो मैंने आगे का पावर का बटन, मतलब एक टैप वाला जो बटन स्टार्टिंग में जो मैं दिखाया था, यहाँ पर ये जो बटन है, इसको अगर मैं दो बार टैप करूँगा तो गिम्बल ऑटोमेटिकली अपना बैलेंस आ जाएगा, तीनों एक्सेस सही बैलेंस पे आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों, ये जो रिंग है, ये रिंग से ही हम इसकी जो मेन्यू सेटिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और रेड वाले बटन को हम दबा करके ओके का कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं गिम्बल में लेफ्ट साइड का मैं अगर दबाता हूँ, तो ये अब हमारा रोल एक्सिस जो है वो फॉलो हो गया है। और मैं जो रिंग थी हमारे, रिंग में हम अगर अपर का बटन दबाते हैं तो हमारा टिल्ट एक्सिस फॉलो हो जाता है, और नीचे का क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ के रिंग को क्लिक करते हैं, तो हमारा पैन जो एक्सिस है वो फॉलो में आ जाता है।
मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ दिखलाता हूँ। अभी मैंने टिल्ट एक्सिस मैंने फॉलो पर कर रखा है, देखिएगा मैं हल्का सा नीचे लेके जा रहा हूँ तो कैमरा अपने आप ऊपर को चला गया। अभी देखिएगा दोस्तों, अभी रोल एक्सिस ना तो पैन एक्सिस वर्क कर रहा है ना रोल एक्सिस वर्क कर रहा है। अभी कैमरा जो है, कैमरे का फेस बिल्कुल सीधा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है टिल्ट एक्सिस हमारा फॉलो पे है। अब मैं टिल्ट एक्सिस को लॉक कर देता हूँ। अब मैं जो है पैन एक्सिस को मैंने फॉलो पे लगा दिया है। तो अब दोस्तों देखिएगा, अब मैं हल्का सा गिम्बल मूव करूँगा तो जो हमारा ये कैमरे का फेस भी मूव होता चला जाएगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। ये हमारा पैन एक्सिस जो है ये फॉलो पे है। इसको डबल टैप कर लेता हूँ मैं, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब जो रोल एक्सिस है, रोल एक्सिस को मैंने फॉलो पे लेके आया हूँ, देखिएगा दोस्तों रोल एक्सिस का मोटर जो है ये वर्किंग पे है। कैमरे की मूवमेंट देखिएगा, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। तो दोस्तों ये टिल्ट पैन और रोल जो एक्सिस है ये हो गया। और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे क्विक व्यू का भी एक ऑप्शन दिया है। अगर हम जो है रिंग को राइट पे क्लिक करते हैं तो क्विक फॉलो, ये कितनी जल्दी फॉलो कर रहा है, कितनी जल्दी मूवमेंट पकड़ रहा है, तो ये क्विक फॉलो हो गया। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको तीन बार जो रिंग वाला रिंग को मैं राइट साइड की तरफ तीन बार मैं अगर प्रेस करता हूँ तो हमारा ये इंसेप्शन मोड हो गया, जिसको हम 360 डिग्री भी बोल देते हैं। तो ये इंसेप्शन मोड हमारा एक्टिवेट हो गया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब 360 भी हमारा ये हमारा 360 कैमरा घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम अब वापस मैं ये वाला बटन डबल टैप करूँगा तो ये वापस अपनी जगह, सारे एक्सेस अपनी जगह आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये वाला जो स्टिक है, ये वाला जो बटन है, इसको अगर हम तीन बार दबाएंगे, दो बार दबाने पे ये वाला बटन, दो बार दबाने पे जो है सारे एक्सिस अपने सही स्थिति पे आ जाते हैं। और तीन बार अगर हम दबाते हैं तो ये देखेगा, ये अब हमारा सेल्फी मोड पे आ गया है। तो यहाँ पर हम सेल्फी, देखेगा सेल्फी मोड पे आ गया है। तो अब क्या है कि अब हम जो है अपना फ़ोटो वीडियो जो है आराम से कैप्चर कर सकते हैं। सेल्फी मोड पे आ गया, वापस मैं डबल टैप करता हूँ, ये डबल टैप मैंने किया तो वापस ये अपने सही स्थिति में आ गया है, सारे एक्सिस जो हैं वो सही पोजीशन पे आ गए हैं। तो दोस्तों इसमें और भी फीचर्स हैं जो कि हमारा एप्लीकेशन के द्वारा हम उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की एक वीडियो मैं दोबारा से बनाऊंगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।